इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पे उत्तराखंड में शीतकालीन के लिए केदारनाथ धाम को बंद कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, केदारनाथ से बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट को 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि पूजा अर्चना के बाद 8:30 बजे कपाट को बंद कर दिया गया और उस वक्त भक्तों ने भोलेनाथ के जयकारे लगाए। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं केदारनाथ से, जहां पे केदारनाथ धाम के कपाट को 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि पूजा अर्चना के बाद से 8:30 बजे कपाट को बंद कर दिया गया। बता दें कि कपाट बंद करते वक्त पूजा अर्चना के दौरान भक्तों ने भोलेनाथ के जयकारे लगाए। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जैसा कि आप देख सकते हैं भक्तों की तादाद दिख रही है, वही भक्तों ने भोलेनाथ के जयकारे भी लगाए। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं केदारनाथ से, जहाँ पे केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं 6 महीने के लिए। आपको बता दें कि आज सुबह 8:30 बजे पूजा के बाद से शीतकालीन के लिए बंद कर दिया गया केदारनाथ धाम के कपाट को। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता दें कि विधिवत 8:30 बजे तक पूजा अर्चना की गई, उसके बाद से भक्तों द्वारा भोलेनाथ के जयकारे लगाए गए, उसके बाद से कपाट को बंद कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी,